हेलो गाइस, वेलकम टू एडवन पुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में पन केवरा भाग एक में जो संस्मरण लेख और निबंध में जो संस्मरण हमें पढ़ना है हमरे कर हरि काका, तो हमरे कर हरि काका का भावार्थ आपके सामने आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं। पन केवरा से संबंधित जितने भी पद्य और गद्य भाग हैं उसके वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। नागपुरी व्याकरण के जो वीडियोज हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। जेएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी वीडियोज बन सकते हैं टॉपिक वाइज एडवन पुरन चैनल में अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवन पुरन। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमरे कर हरि काका, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संस्मरण। देखिये संस्मरण का मतलब क्या होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था लेख संस्मरण और निबंध में क्या अंतर है, तो मैं आज फिर से आपको बताता हूँ। संस्मरण का मतलब होता है वैसा लेख या निबंध जिसको किसी की याद में लिखते हैं हम लोग, यानी किसी की अगर बायोग्राफी हम लोग लिखते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी की, ठीक है, खास व्यक्तित्व, जैसे यहाँ पे हरि काका लेखक के जो विचार हैं उनके बायोग्राफी के बारे में बतला रहे हैं, तो इस तरह के जो लेख होते हैं उसको हम लोग संस्मरण कहते हैं। ठीक है, लेख क्या होता है, लेख वो चीज होता है जिसमें किसी रेनॉल्ड पर्सनैलिटी के बारे में या कोई स्पेसिफिक जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मदन मोहन बोड़िया मंदिर हो गया, जगन्नाथपुर का मंदिर हो गया, ठीक है, तो ये सब मंदिर पहले से है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो ये सबों के बारे में अगर कुछ लिखना है तो उसको हम लोग कहते हैं लेख, कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने क्या क्या किया, डेट वाइज जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जो खास बातें उनकी होती हैं, जिसको हम लोग लेख के माध्यम से बताते हैं। अच्छा, और निबंध क्या होता है, निबंध उसे कहेंगे जिसमें कि लेखक जो होते हैं या रचनाकार जो होते हैं वो अपने विचारों को रखते हैं, जैसे कि समय सोना है के हम लोगों का जो पढ़ना है पन केवरा भाग एक में, समय सोना है के वो एक तरह का निबंध है, तो उसकी जो लेखिका है वो अपने विचारों को उसमें लिखी है कि समय को जैसे कि वो सोना मान रही है, आप समय को हीरा मानिए, ठीक है, तो हर कोई अपने अपने विचार जो लिखते हैं उसी को हम लोग निबंध कहते हैं। निबंध में कहावत हो गया, मुहावरा हो गया, उसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया संस्मरण जो बायोग्राफी होता है, लेख जिसमें फैक्ट्स चीजों को रखा जाता है, और निबंध जिसमें विचारों को रखा जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि संस्मरण किसे कहते हैं, लेख किसे कहते हैं, और निबंध किसे कहते हैं, ठीक है। आइए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमरे कर हरि काका के बारे में, गांव कर बुढ़िया पुरनिया मनक ख्याल होले, हरसठे हरि काका कर चेहरा और उनकर दुलार भीतर है भीतर उधैक उठेला, कतना सुभियार और गुरुआ आदमी, गांव कर बड़ छोट जनी मरद छुआ जवान, सबक से बाबा बचरू नेवैर के बोले जेके कहे ना, हरि काका से बगरा दोसर केव में हम आज तक नी पाली। तो इसका भावार्थ होगा, इसमें जो लेखक हैं वो अपने हरि काका को याद करते हुए कह रहे हैं कि गांव का जब बूढ़ा और पुरनिया लोग का बात होता, पुरनिया मतलब कि पुराने लोगों का, पुरखा लोगों का जब ख्याल होता है, ख्याल मतलब कि ख्याल होता है, तो हरसठे, हरसठे का मतलब होता है हमेशा, अचानक से हमेशा, तो उसको हम लोग कहते हैं हरसठे, अचानक से हमेशा, इसको हम लोग नकपुरिया में क्या कहेंगे, ये अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया हरसठे, उसको हम लोग हरसठे कहते हैं। हरसठे हरि काका का चेहरा और उनका दुलार जो होता है ना वो भीतर ही भीतर मन में, लेखक के मन में उधैक उठता, उधैक उठता है मतलब कि उफान मारता है, उधैक उठना मतलब कि दूध गर्म करते हैं तो कैसे दूध उधैक जावत है ऐसे बोलते हैं हम लोग, तो उधैक उठना मतलब कि उफान मारता है। कितना सुभियार, सुभियार का मतलब होता है कि कोमल स्वभाव वाले मनुष्य, उसको हम लोग सुभियार कहते हैं। और गुरुआ आदमी, गुरुआ आदमी का मतलब कि जो मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठा बोलते हैं, उसी को गुरुआ आदमी कहते हैं। गांव कर जो बड़ा छोटा आदमी थे, जनी मर्द मतलब कि स्त्री पुरुष, छुआ जवान सबका से जो बाबा बचरू मतलब जितना भी गांव के लोग हैं उससे वो नेवैर के बोलते थे, नेवैर के बोलना मतलब कि झुक के बोलना, नेवरना का मतलब होता है झुकना, ठीक है, तो नेवैर कर बोलते थे मतलब कि झुक कर बहुत अदब से बात करते थे, ठीक है। हरि काका से बगरा कोई दूसर हम आज तक नहीं पाली, मतलब उनसे अच्छा कोई दूसरा आदमी लेखक को नहीं मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांव कर सदअखरा में दक्षिण दने सी मनक घर कर सोझे हरि काका कर घर, गांव के सदअखरा मतलब कि अखरा में दक्षिण दिशा में
सिंह लोग का जो घर है उसके सोझे, सोझे का मतलब है उसके सीधे, हरि काका का घर है, ठीक है। फसल छर देवाली कर भीतरे एगो ठुठंगू ले करंज गज, जेकर में अघन कर बाद चार भाई लखे पूरा रखा तक घर मालिक कर, भीतरे छोटा कुन साफ सुथरा घर। अब यहाँ पर है वो लेखक कह रहे हैं धसल छर देवाली, छर देवाली का मतलब होता है जो बाउंड्री हम लोग करते हैं ना घर को, तो मिट्टी का किया जाता था पहले, ठीक है, तो उस वो धसर धस गया, छर देवाली का मतलब कि बाउंड्री जो है वो धस गया, धसा हुआ है। और भीतर में एक तो ठुटुंगू ले करंज गच्छ है, ठुटुंगू मतलब कि करंज का पेड़ है लेकिन उसमें पत्ता उत्ता नहीं है, तो उसी को हम लोग ठुटुंगू कहते हैं, वैसा पेड़ जिसमें पत्ते नहीं होते हैं उसको हम लोग ठुटुंगू गच्छ कहते हैं, ठुटुंगू पेड़। जेकर में अघन कर बाद चार भाई लखे पूरा रखा था घर मालिक के, देखिए अघने के समय हम लोग का धान कटनी और धान मिसानी का काम होता है, ठीक है, धान मिसना धान कटना, तो धान कटने के बाद जो धान मिसाता है तो पुआल जो होता है ना वो चार भार पुआल वहां पर रखा जा सकता था, इतना स्पेस है उसके बारे में लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। और इनका घर जो है वो एकदम भीतरे था छोटा सा, छोटे कुन मतलब कि छोटा सा साफ सुथरा घर था। आगे है अंगना लिपल बाढ़ल पिंडा चिकचिकाल, आंगन जो था वो लिपा हुआ बाढ़ा हुआ था, लिपते थे हम लोग गोबर माटी को मिला के अंगना को हम लोग लिपते हैं, ठीक है। और पिंडा जो है वो चिकचिकाल है मतलब कि चिकना है एकदम पिंडा, बैठने में एकदम चिकन। आगे है सौभे ढाबा भथखैया बटे रसवा और माझे एगो कोठरी, ओकरे में घर कर चीज वस्तु हरका पेटी बासन बर्तन लुगा गेदरा मनक रखा तक, और हुए दुयो बूढ़ा बूढ़ी सुदबो कर है, रसवे घरक एगो कोना में गिनल चुनल छगरी पटरू बांधा तक। अब यहाँ पर जो है वो लेखक कह रहे हैं कि सौभे ढाबा भथखैये बटे, जैसे लोग की घर में ढाबा बनता है ना, तो भथखैये बटे मतलब क्या है कि दाहिने ओर, देखिए हम लोग का हाथ जो है ना तो जो हाथ से हम लोग खाते हैं ना दहिना हाथ से खाते हैं तो उसको हम लोग भथखैया हाथ कहते हैं, ठीक है, और जो हाथ से नहीं खाते हैं तो उसको हम लोग लेंगा हाथ कहते हैं, ठीक है, लेंगा और भथखैया, हाथ जो होता है दाहिना हाथ उसको भथखैया हाथ कहते हैं और जो बायां हाथ है उसको हम लोग लेंगा हाथ कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अरे लेंगैया ऐसे ही बोलते हैं, लेंगैया मतलब कि जो लड़का लेंगा हाथ से लिखता है मतलब कि बाएं हाथ से लिखता है उसको लेंगैया कहते हैं, या कोई काम भी करता है ना तो लेंगा हाथ से करता है तो उसको हम लोग लेंगैया कहते हैं, और भथखैया हाथ मतलब कि दाहिना हाथ। आई होप इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है रसवा माझे एगो कोठरी, ठीक है, तो जितना भी ढाबा था राइट साइड में था और रसवा था, रसवे के बीच में एक ठो कोठरी था, ठीक है, और ओकरे में घर का चीज वस्तु हरका पेटी, हरका पेटी का मतलब होता है कि बांस का बना हुआ एक बक्सा जैसा होता है, बक्सा नहीं होता है लेकिन बांस का बना हुआ होता है हरका पेटी, ठीक है, तो उसी को हरका पेटी कहते हैं, बांस का बना हुआ होता है वो, बक्सा नहीं है, बक्सा से मत कंफ्यूज कीजिएगा, एक ठो हरका पेटी होता है, ठीक है, जो कि बांस का बनता है। बासन बर्तन लुगा गेदरा मतलब कि लुगा मतलब कि कपड़ा और लेदरा को हम यहाँ पर गेदरा लिखल है, गेदरा मनक राखतक, और हुए दुयो बुढ़िया बुढ़िया सुतते थे, वहीं पर बूढ़ा बूढ़ा जो थे माने हरी काका और काकी जो है वो सोते थे, और रसवा घर एगो कोना में, रसवे घर का एक ठो कोना में गिनल चुनल छगरी पटरू बांधतक, मतलब कि गिना चुना छगरी और पटरू जो है बकरी सबको बांधते थे, पटरू मतलब होता है छगरी का बच्चा, बकरी का बच्चा जो होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं पटरू। आगे बढ़ते हैं पूर्व जन्म कर कौन पाप कर चलते भगवान ई मन के छुआ पुता नहीं देना, दुयो झनक बड़ा उदास जिंदगी, हरी काका कर समय तो गांव कर घर में एक दूसर से भेंट घाट करे गोठियाए बतियाए में बीत जाए, मुदा काकी दन रात एह मामला में भीतरे हैं भीतर कांदे कल्पे। देखिए अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पूर्व जन्म का कोई पाप लगा जिसके चलते भगवान इन लोग को छुआ पुता नहीं दिए, मतलब कि हरी काका और काकी का कोई बच्चा नहीं था, ठीक है, दोनों जन बहुत उदास वाली, दुयो जन मतलब कि दोनों लोग बहुत उदास वाली जिंदगी जी रहे थे, हरी काका का समय तो गांव में जाके गोठियाने में इनकी बातचीत करने से उनका मन जो होता है ना वो बीत जाता था, ठीक है, दूसर से जो भेंट घाट करते थे बातचीत करते थे तो उनका समय तो बीत जाता था, लेकिन काकी जो है ना दिन रात यही सोचती रहती थी कि उसका कोई भी बच्चा उच्चा नहीं है, ये सोच के कांपते रहती थी कलपते रहती थी, कांपते रहती थी मतलब कि रोते रहती थी, ठीक है। आगे है करिया नहीं तेल सांवर साफ सुथरा एक हरिया गतर, सात हाथ कर धोती के ठेहुना तक एक टंगिया पिनले हरी काका, उघरा गतर में एगो गमछा नी तो कोनो साफ लुगा कर एक टोकरी के लेंगा कांख में फेंकले रहत रहे। अब यहाँ पर जो है लेखक जो है वो हरी काका का पहनावा क्या है, उनका रंग रूप कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं करिया नहीं वो काले नहीं थे, तेल सांवर मतलब कि सांवले रंग के थे,
सरसों का तेल जिसको हम लोग कहते हैं कड़वा तेल, तो कड़वा तेल को आप अगर व्हाइट बोतल में रखिए ना, साफ सीसी में रखिए, तो कैसा दिखता है? तो उसी कलर के थे हमारे हरि काका, चमकता था बॉडी उनका, सांवले से थे, ठीक है, साफ सुथरा थे। और एक हरिया गतर, एक हरिया का मतलब होता है पतले दुबले आदमी, एक हरिया मतलब पतला, और दोहरा, दोहरा का मतलब थोड़ा मोटा, ठीक है। चलिए आगे है एक टंगिया, एक टंगिया का मतलब होता क्या है ना, धोती जो हम लोगों में पहनने का है ना रिवाज, वो अपना सबका अलग अलग स्टाइल का होता है। तो एक पहनने का तरीका है एक टंगिया, जिसमें क्या होता है ना कि एक टांग उघरल रहता है ठेवना तक, एक तो टांग जो है उघरल रहेगा और दूसरा टांग में धोती बंधा रहता है। तो इस तरह का जो डिजाइन से जो धोती पहनते हैं ना, उसी को एक टंगिया कहते हैं, ठीक है। और एक तो गमछा नहीं तो कोई साफ कपड़ा जो है लेंगा कांख में, मतलब कि बाएं कांख में, अंडर आर्म को कांख कहते हैं नगपुरिया में, तो उसी में एक तो कोई साफ कपड़ा या फिर गमछा को वो दबाइले रहते थे, ठीक है। आगे है काकी मस्किल से तीन हाथ कर, दोहरी बदन कर, गेठे गेठी ले जनाना, मुंह गाल गोल, रंग हरी काका से तनी दर, कहना गुड़िया इस सिंगार कर, नाव से दुयू हाथे लहटी और कान में तरपत। अब यहाँ पर काकी का वर्णन कर रहे हैं लेखक कि काकी कैसी थी। तो काकी जो तीन तीन हाथ की, तीन फुट्टी थी, मतलब कि ज्यादा लंबी नहीं थी, छोटी सी थी, और वो जो थी दोहरी बदन की थी, दोहरी बदन की थी मतलब कि थोड़ी सी मोटी थी, और गोल गाल मतलब कि गोल फेस वाली थी। तो दादी का यहाँ, काकी का यहाँ पर वर्णन करते हुए लेखक कह रहे हैं कि काकी जो थी वो छोटी सी थी, दोहरी बदन की थी मतलब कि थोड़ी मोटी थी, और गोल मुंह था उसका, ठीक है। और रंग जो था वो हरी काका से थोड़ा सा दब, यानी कि हरी काका सांवले थे, काकी जो थी वो थोड़ी सी काली थी, ठीक है। आगे है गहना गुड़िया, देखिए गहना और श्रृंगार का नाम से वो दोनों हाथों में लहठी पहनती थी, लाह का बनता हुआ कंगन जो बनता है, पहले लाहे का कंगन लोग पहनते थे तो उसको लहठी कहा जाता है। और कान में तरपत, तरपत क्या होता है, देखिए ज्यादातर जो स्त्रियां होंगी या फिर लेडीज लोग जो अभी होंगी या फिर जो गर्ल्स होंगी वो सब अभी सब जो सुन रही होंगी वीडियो को, उन लोग जानते हैं तरपत क्या होता है, मैं थोड़ा बतलाता हूँ। तरपत होता है चांदी का बड़ा सा कान में पहनने के लिए होता है, जो सिकड़ी लगा हुआ था झूलता है ना, झुमका, कान का झुमका चौड़ा सा होता है, बड़ा सा होता है, उसी को तरपत कहा जाता है, ठीक है। तो यही था श्रृंगार काकी का, ठीक है। आगे है गांव कर जनानाओं मन से इनकर कोनो लाइस दगा नहीं रहे, मतलब कि गांव की जो और जो स्त्रियां थी ना उनसे भी इनका कोई उतना लगाव नहीं था। लाइस दगा का मतलब है कि कोई लगाव उतना नहीं रहता है, मतलब कि कम बोलती थी, ठीक है, ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी लोगों से, कौन, काकी। आगे है बिहने भात खाए के एगो ओड़िया, और पतुर बढ़ाए कर छाटी लेके घर से ऊ निकलता ना है, से सांझे के बेर डूबल पाछे घुरता है, गोबर मिलने एकाद धप उन्हें से अपन गाढ़ा में उछेल रखता है। अब यहाँ पर जो है वो लेखक कह रहे हैं कि काकी जो थी ना वो सुबह ही बिहने मतलब कि सुबह ही भात खा के एगो ओड़िया और पतुर बढ़ाए कर झाटी के लेकर घर से निकलती थी। ओड़िया, खाँचा, डलिया तीनों एक ही होता है, अंतर बस यही है कि ओड़िया जो होता है उसका साइज फिक्स होता है, ठीक है। तो ओड़िया लेके और झाड़ू लेके ये सुबह निकल जाती थी भात खा के, तो उस सांझ को वापस आती थी। डेरा डूबल पाछे, बेरा डूबल पाछे मतलब, बेर डूबल पाछे का मतलब कि सूर्य जब अस्त हो जाता था, सूर्यास्त हो जाता था, उसके बाद वो घर घूरती थी, और घूरने के क्रम में अगर गोबर मिल जाता था ना, गोबर मिलने एकाध से अपन गढ़ा में उझेल रखता है, मतलब कि जब उधर से जब वो जाती थी झाड़ू और डलिया को लेके, झाड़ू और ओड़िया को लेके, तो रास्ते में मान लीजिए गोबर मिल जाता था ना, तो उसको गोबर का चोता कहते हैं हम लोग, ठीक है, गोबर जो गिरा हुआ पड़ा हुआ रहता है, तो एक चोता, दो चोता गोबर ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को एकाध धप होने से अपना गोबर गढ़ा में वो फेंक देती थी। एकाध धप, धप का मतलब होता है एक तरह का काउंटिंग का तरीका है, जैसे बोला जाता है कै धप ने वो ही किले आनबेरे, इस तरह से बोलता है, तो बोलता है लोग कि चार धप में ले आनबो, जैसे आप गए मार्केट, मार्केट में सामान खरीदे तो आपको सामान को घर लाना है, तो कै धप में मतलब कई बार में आप उसको घर पहुंचा पाइएगा, तो उसको कैसे बोलेगा लोग कि कै धप ने तुम्हें पहुंचाए पारबे, तो बोले कि हम चार धप में एक पहुंचाए देबो, चार धप, धप का मतलब कि चार बार में इसको हम सामान घर में पहुंचा देंगे, तो इसी तरह इसी को कहते हैं धप। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हरी काका गांव कर बेस कभी राज रहे, बिहान होवे और उनकर पिंडा में गांव लालिक बीमारियां मन आवे, पाथा पीरा जर शीत कप खोकी सब रकम कर बीमारियां मन उनकर से बेस होवे। अब यहां पर जो है लेखक वो बतला रहे हैं हरी काका गांव का बेस कविराज थे, ठीक है,
और सुबह जैसे ही होता था और उसका उनके पिंडा में, देखिए पिंडा होता है घर के बाहर बैठने के लिए जो बनल रहता है उसी को हम लोग पिंडा कहते हैं, ठीक है। तो गांव लालिक बेमरिया मन जितना था ना वो उनका पिंडा में आके बैठ जाता था। पाथा पीरा जर सीत कफ खोकी सब रकम कर बीमारी मन उनकर से बेच, जितना भी बीमारी था ना वो हरि काका से ठीक हो जाता था। जंगली जड़ी बूटी कर इनके बेस ज्ञान रहे, जंगली जड़ी बूटी जो होता है ना उसका ज्ञान बहुत अच्छा था, किसको, हरि काका को। आगे है, बाप जब दवाई बनाए तब एकर ले दरकारी, जड़ी बूटी के जुमाए हरि काका कर काम रहे। इनके पिता माने हरि काका के जो पिता थे वो जब दवा बनाते थे ना तो उनके लिए दरकारी, दरकारी मतलब कि जिसका दरकार होता है, दरकार होता है मतलब जिसकी जरूरत होती है, दरकार मतलब जरूरत, तो जरूरी जो भी जड़ी बूटी का जुमाना था मतलब कि उसका जुगाड़ करना था लाना था वो हरिया हरिये काका का जिम्मेवारी रहता था। आगे है, हफ्तों दिन कर मेहनत कर बाद वो सतवार मोत फरियारी गुरी सोना पाटी गमायर चक्रौत डिगरौत है चिकारी और खेत पापड़ी मन के लाइन के घरे उझेल देतना है। तले बाप और माए उ जड़ी बूटी के छुई छुई के उलट पलट के देखता है और उनकर मेहनत के सहराते हैं। अब यहाँ पर जो है वो लेखक कह रहे हैं हरि काका जो है हफ्ता दिन का भी मेहनत करना पड़े तो करते थे, लेकिन जो यहाँ पर जो सतवार मोत फरियारी गुरी ये सब जो लिखा हुआ है ना ये सारे के सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। जड़ी बूटी में जो यूज किया जाता है ना वो पौधा और जड़ी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सारे जड़ी बूटी को घर में लाते थे और अपने पापा के सामने रख देते थे, अपने बाप के पास अपने पिता के पास रख देते थे। उसके बाद उनके माँ और बाप जो है जड़ी बूटी को छू छू के उलट पलट के देखते थे और खूब सराहना करते थे हरि काका का कि वाह बहुत अच्छा जड़ी बूटी चुन के लाया है, ठीक है। आगे है, जवानिये बेरा एक धाव हरि काका जबरदस्त बीमार पड़ गिर रहे हैं। अब जवानिये के समय हरि काका जो है ना बहुत जोर से बीमार पड़ गए थे। महीनों दिन तक उनकर जर नहीं उतरलक, वो लंबा दिन ले खटिया धैर लेना है। उनकर रोगी थाकल काया निरोग हो के फिर उठी कि नहीं आदमी मन के विश्वास नहीं होए। अब देखिए इसमें लेखक कह रहे हैं महीना दिन तक उनको जर नहीं उतरा, जर मतलब होता है बीमार, जो बीमार हो जाता है ना बुखार हो जाता है जिसको, तो उसी फीवर हो जाना उसी को हम लोग कहते हैं जर। तो जर बुखार जो होता है फीवर जो है वो नहीं उतर रहा था और वो लंबा दिन तक खटिया पकड़ लिए थे। उनका जो रोग था और जो थक गया था उनका जो काया वो ठीक होगा कि नहीं होगा ये आदमी लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। आगे है, बाप कर इलाज चलत रहे सेहे घरी एक दिन हमरे घरे सत्यनारायण कथा सुन लें, पूजा कर प्रसादी मोहन भोग आटा कर हलवा के तनी बेसे मुरही कर लड़ुआ साइज लखे बनाए के उनके खिलाए दिलाए और कहलाए ले हरी ई प्रसादी के खाए ले तो बेस हो जाबे। हरी काका बेस हो गए। अब जो होता है कि जो लेखक हैं उनके पापा का इलाज चल रहा था, इनके पास चल रहा था, हरि काका के पिताजी थे ना वो वैद्य थे, जो लेखक हैं उनके पिताजी का इलाज चल रहा था, उसका इलाज कौन कर रहे थे तो हरि काका के पापा कर रहे थे, ठीक है। तो बाप कर इलाज के चलते उसी समय लेखक के यहाँ क्या होता है सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं लोग और पूजा का प्रसादी में मोहन भोग जो लगाते हैं आटा का हलवा हम लोग में बनता है, ठीक है, तो उसी को एकदम गोल करके लड़ुआ मुरही का जो लड़ुआ बनता है ना गोल गोल बनता है, ठीक है, तो उसी तरह से गोल गोल कर दिए मोहन भोग को मतलब कि आटा का हलवा को प्रसादी को सत्यनारायण भगवान का कथा सुने ना तो उसी का प्रसादी को गोल गोल लड्डू की जैसा बना दिए और उसको दिए खाने के लिए हरि काका को और कहें कि ले हरि काका ये प्रसादी को तुम खा लो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो ठीक है क्या उस प्रसादी को जैसे खाए हरि काका और वो ठीक हो गए। अब आगे हैं, दादा साहेब हमके प्रसादी खियाए के जियाए हैं बाबा साहेब कहते उनकर आंख में लोर डबडबाई जातक। अब यहाँ पर लेखक जो बोल रहे हैं दादा साहेब, दादा साहेब का मतलब हुआ भैया, भैया हमके प्रसादी खियाए के जियाए हैं बाबा साहेब, बाबा साहेब का मतलब हो गया दादा। तो ये मतलब हरि काका जो है वो बोलते हैं कि भैया हमको जो बाबा हैं वो प्रसादी खिया के हमको जिया दिए हैं, ठीक है, ये कह के उनके आंख में जो है ना लोर डबडब जाता है मतलब आंख जो है आंसू से भर जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए इसका अगला पार्ट बहुत जल्द एडू अंकुरन चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।